दोस्तों, अगर मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो हमें सूरत हाल काफी ज्यादा कशीदा दिखाई देती है। रियासती दहशतगर्दी पर भारत उतर आया है और वहां के रहने वाले लोगों पर जुल्म और ज्यादती शुरू कर दी है। सूरत हाल यहां तक आ पहुंची है कि कश्मीरियों की नस्ल कशी की जा रही है, उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज को दबाने के लिए क्लस्टर बम्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मकबूजा कश्मीर में बड़ी रियासती दहशतगर्दी का खतरा पैदा हो गया है और गैर मुइना मुद्दत के लिए कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला समेत दीगर अफराद को नजरबंद कर दिया गया है और इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। इसके साथ साथ दूसरी जानब अगर हम देखें तो LOC जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जगह है, जिसको वहां पर गैर मामूली नकलो हरकत देखी गई है और फरवरी में भी वहां गैर मामूली नकलो हरकत देखी गई, जिसके बाद हमने देखा कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग की सूरत हाल पैदा हो गई थी। तो इस बार भी खदशा किया जा रहा है कि जंग की सूरत हाल को भारत पैदा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान तमाम सूरत हाल को देख रहा है और पाकिस्तान ने एक अहम इजलास भी तलब कर लिया, कौमी सलामती का इजलास बुलाया गया, जिसमें पाकिस्तान के वजीर आजम और उसके साथ साथ आर्मी के जो चीफ हैं वो भी वहां पर मौजूद थे और उनको तमाम सूरत हाल से बताया गया। इमरान खान ने कमर जवेद बाजवा के साथ मुलाकात की, आला अफसरान वहां पर मौजूद थे और फुल हैंड उन्हें दे दिया है कि जब भी अगर कोई हमला किया जाता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और इमरान खान की जानिब से एक ऐसा भी बयान दिया गया है जिसमें इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि वो इस तरह से अब कश्मीरियों के लिए आवाज उठाएंगे कि अब कश्मीर आजाद होकर रहेगा। दोस्तों, मजीद तफसीलात में भी जाते हैं, वहां की सूरत हाल के बारे में आपको मजीद आगाह करते हैं और साथ ही आपको नेमतुल्ला खान की जानिब से की जाने वाली पेशन गोई के बारे में बताएंगे कि जो पेशन गोई उन्होंने की थी वो किस तरह से सच होती हुई दिखाई दे रही है। मजीद तफसीलात में जाने से पहले यहां पर आपको एक याद दहानी करवाना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो दोस्तों, पाकिस्तान की आला क्यादत ने जो एक इजलास किया उसके इलामिये में तो सबसे पहले पाकिस्तान के वजीर आजम ने इस चीज की मुसम्मत की कि जो भारत में मकबूजा कश्मीर के लोगों पर वहां पर जुल्म किया जा रहा है, उनको कत्ल आम किया जा रहा है, उस पर मुसम्मत की और कहा कि अब वो वक्त आ चुका है, जंग के जो हालात बनाए जा रहे हैं उसको सही अगर ना किया गया तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। साथ ही कश्मीरियों के हवाले से जो बात की उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज भी मौजूद है। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि कश्मीरियों को निजात दिलाने का वक्त आ पहुंचा है। इमरान खान की इस बात को देखा जाए तो इस बात में यही है कि उनको निजात दिलाना यानी उनकी आजादी का वक्त आ गया है, अब कश्मीरियों को आजादी मिलकर रहेगी। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर में बड़ी रियासती दहशतगर्दी का खतरा पैदा है, वहां पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और श्रीनगर में गैर मुइना मुद्दत के लिए कर्फ्यू के साथ साथ सियाहों को 24 घंटों में वादी छोड़ने की हिदायत भी कर दी गई है। इसके साथ आपको ये भी बताते चलें कि वहां पर जितने भी मोबाइल सर्विस हैं उसको बंद कर दिया गया है और वहां पर जितने भी लोग हैं उनको कहा गया है कि वो वहां से फटाफट निकल जाएं, क्योंकि वहां पर जो दहशतगर्दी की जाने वाली है उस वजह से उन लोगों को वहां से निकल जाने की हिदायत जारी कर दी गई है। ये कोई पहला वाकया नहीं जब हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा हो, इससे पहले भी हमने बेशुमार किस्म के वाकयात देखे हैं जो हमारी नजरों के सामने से गुजरे हैं, जब भारत वहां के लोगों को शहीद करता है, उन पर जुल्म करता है और अपने जबर के जरिए उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन कश्मीरी कई सालों से अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं और वो कहते हैं कि वो आजादी लिए बगैर सुकून से नहीं बैठेंगे। श्रीनगर में हम देखते हैं कि जहां कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, लोगों को वहां से निकल जाने का कहा गया है जो वहां वादी में स्याह मौजूद हैं और साथ ही हस्पतालों के लिए कर्फ्यू पासेस जारी कर दिए गए हैं। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मौतल है और साबिक वज़ीरे आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत दीगर सियासी और हरित क्यादत को नजरबंद कर दिया है। कश्मीरी और भारतीय मीडिया के मुताबिक काबिज रियासती दहशतगर्द फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर में गैर मुइना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज किया और हस्पताल के अमले के लिए कर्फ्यू पासिस जारी कर दिए हैं, जबकि यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। साबिक वज़ीरे आला महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और सज्जाद दिलो समेत बहुत से रहनुमाओं को घर में बंद कर दिया गया है। मजीद तफसीलात में भी जाते हैं, आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद दहानी करवा दें कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अपनी नजरबंदी से कबल मकबूजा कश्मीर की साबिक कठपुतली वज़ीरे आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि रियासत में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बंद की जा रही है। उन्होंने कहा कि मालूम नहीं कल क्या होगा।
नजरबंदी के बाद अपने एक ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये कितना जालिमाना रवैया है कि हम जैसे मुंतखब नुमाइंदों को जिन्होंने हमेशा अमन के लिए जद्दोजहद की उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया देख रही है कि किस तरह मकबूजे कश्मीर के बशिंदों और उनकी आवाज को कुचला जा रहा है। ये वो कश्मीर है जिसने एक सेकुलर और जमहूरी इंडिया का इंतखाब किया। अब कश्मीर को इंतहाई नाकाबिले बयान रवैये का सामना है। उन्होंने इंडिया के लोगों से बेदार होने की अपील करते हुए कहा कि इंडिया जाग जाओ। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में कश्मीरियों को मुखातिब करते हुए कहा कि हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होने वाला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस बात पर पुख्ता यकीन रखता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो बेहतर करने वाला है और अल्लाह ताला जो है वही हम सब के लिए हमारे लिए आजादी को मुंतखब करेंगे और एक दिन कश्मीर आजाद होकर रहेगा। दोस्तों उनका मजीद क्या कहना था वो भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपकी राय जानना चाहते हैं कि आप क्या समझते हैं कश्मीरियों के साथ ये जुल्म किस तरह से बंद हो सकता है। अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया देख रही है कि किस तरह से ये जुल्म हम पर किया जा रहा है, लेकिन इस बात पर पुख्ता यकीन रखता हूं कि अल्लाह कादिर मुतलिक की तरफ से जो भी मंसूबाबंदी की जाती है वो हमेशा बेहतर होती है। उन्होंने कहा कि हम शायद अल्लाह की हिकमतों को देख ना पाए, लेकिन हमको उनमें शक नहीं करना चाहिए। अल्लाह करेगा आप सबके लिए बेहतरी हो। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप सब लोग पुरसकून और महफूज रहें। दोस्तों वाज़ह रहे कि ये तमाम सूरत हाल बहुत पहले भी भारत में रही, लेकिन अब आपको हम नेमतुल्लाह खान की जानिब से बताते हैं जो उन्होंने एक पेशन गोई की है जो बिल्कुल सच होती हुई दिखाई दे रही है। ये पेशन गोई उन्होंने बड़ी ईद और छोटी ईद के दरमियान से की थी और ये गज़वाए हिंद के हवाले से थी जब इन दोनों के ममालिक के दरमियान लड़ाई होगी और गज़वाए हिंद शुरू हो जाएगी। मुसलमान इन तमाम इलाकों को हासिल कर लेंगे और दरिया अटक का जो पानी है वो तीन मरतबा काफरों के खून से बढ़ जाएगा। उन्होंने ये पेशन गोई की है और अगर देखा जाए तो जंग की सूरत हाल पैदा होती दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत की जानिब से जो हमला किया गया है क्लस्टर बम का हमला, उसे पाकिस्तान पहला हमला करार दे रहा है और पाकिस्तान ने इसे जंग की शुरुआत ही समझा है। दोस्तों अगर देखा जाए एलओसी पर सूरत हाल भी हमारे सामने है, वहां पर किस तरह से मिसाइल फेंके जा रहे हैं। कश्मीर वादी में जंग की सूरत हाल है और ये जंग शुरू हो गई है। वहां पर आए रोज 20,000 से ज्यादा फौजियों को तैनात कर दिया जाता है। कभी देखा जाता है 80,000 फौजी मजीद वहां पर लगा दिए जाते हैं, कभी 80 तो कभी 20, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में 1,80,000 मजीद फौजी वहां पर लगा दिए जाएंगे। नेमतुल्ला खान की वसीयत के मुताबिक 6 साल तक शदीद जंग की सूरत हाल वहां रहेगी, उसके बाद वहां पर मुख्तलिफ ममालिक दाखिल होना शुरू हो जाएंगे और इस जंग में शामिल हो जाएंगे और मुसलमानों का गलबा होगा। उनकी जानिब से कहा गया कि अफगान कौम जो है वो भी बाहर निकलेगी और वो यहां पर आकर जहाद करेगी। अगर मौजूदा सूरत हाल से देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो अफगान तालिबान से बात करने जा रहा है, इससे मालूम होता है कि दोनों के ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं। और कश्मीर की जंग अगर भारत शुरू करता है तो अफगान तालिबान भी पाकिस्तान के लिए मदद के लिए निकलेंगे और फिर अहले काबुल जिन्हें तालिबान ही कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की मदद करेंगे और फिर मंगोल फौजी मदद के लिए आएंगे, जिसमें ईरान और तुर्की के बारे में भी नेमतुल्ला ने पेशन गोई की है। ये नहीं कहा जा सकता कि ईरान फौरी तौर पर जंग में शामिल हो जाएगा, लेकिन वो बाद में जाकर इस जंग का हिस्सा बनेगा। इसी तरह तुर्की की बात करें तो तुर्की हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ रहा, पाकिस्तान के बयानी की हिमायत करता है, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। और ईरान जो है वो भी भारत से काफी दूर जा चुका है और उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं, इसलिए वो पाकिस्तान की मदद के लिए आएगा। फिर हम देखेंगे कि बरसकीर पे मुसलमानों की हुक्मरानी जो है वो एक बार दोबारा पैदा हो जाएगी, जो लश्कर कशी है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी। और इस तरह की सूरत हाल को देखा जाए, जो जंग की सूरत हाल पैदा की जा रही है, इसके बारे में हमें ये पेशन गोई बिल्कुल सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हदीस मुबारक में देखें तो हमें बहुत सी ऐसी हदीस भी मिलती हैं जिनके बारे में इस तरह की निशानियां मौजूद हैं। और इब्ने माजा की एक हदीस रवायत की जाती है जिसका मफहूम यहाँ पर बयान करते हैं कि जब कहा जाता है कि बड़ी जंग होगी और उस वक्त अरब के लोग नहीं बल्कि एक और लोग उठेंगे जो बहुत ज्यादा हथियारों के हवाले से बहुत मजबूत होंगे, और देखा जाए तो मुसलमान जो हैं वो इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा में सबसे ज्यादा, उनमें पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो सबसे ज्यादा मजबूत समझा जाता है और पाकिस्तान जो है वही मदद के लिए निकलेगा। तो दोस्तों ये सूरत हाल पैदा होती जा रही है, अब देखना कि पाकिस्तान जो है इस जंग को किस तरह से लेकर कश्मीर की आजादी होती है, यानी भारत को खिते के अमन के लिए समझना होगा। पाकिस्तान हमेशा से अमन के लिए कोशिश रहता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मजीद अपडेट रहें आने वाले हालात के हवाले से तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका यह है कि नीचे नजर आने वाले रेड कलर के सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करने के बाद आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे और हमारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा, और इस यकीन के साथ इस वीडियो को शेयर करें कि अल्लाह ताला कश्मीरियों की जो मेहनत है उसको रायगा कभी भी नहीं जाने देंगे। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।